अमरीका में मस्जिद के बाहर अमाम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाक़ा अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में पेश आया जहाँ मोहम्मद मस्जिद से बाहर निकलते वक्त मस्जिद के पेशमाम हसन शरीफ को फायरिंग का निशाना बनाया गया वाक़ पर रियासत के अटारनी जनरल ने कहा है कि इमाम हसन शरीफ को मतदीद गोलियाँ लगें जिस पर उन्हें फ़ौरी तबी अमदाद के लिए हस्पाल मुंतकिल किया गया लेकिन बदकिस्मती से ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो हस्पताल में चल बसे अटारनी जनरल का कहना था करने की, जानने के लिए की जा रही है और, और तो इब्त तफ्तीश से कि वाक़ा नहीं उन्होंने मजीद कहा की इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग की वजह से अमरीका में कम्यूनिटीज के दरमियान तस्ुब इस्लामो फोबिया और यहूद मुखालत रोनम हुए हैं जबकि इस रियात में तीन लाख से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं